Good morning, students. Myself Ravi Kumar from Sivrat Singh Children Academy, Argopur Clan, Jaunpur. Dear students, once again welcome back in computer class, chapter 5, working with tables. पिछले कई videos में हमने चर्चा किया है tables के बारे में कि how to create the tables. और मैंने इस चीज को बार बार आपको बताया है कि कीबोर्ड से विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड हाउ कैन वी क्रिएट द टेबल विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड हाउ कैन वी क्रिएट द टेबल. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड एंड सेम फॉर्मेट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. फर्स्टली वी गो टू द न्यूमेरिक कीपैड अबाउट द प्लस सिंबल. न्यूमेरिक कीपैड में प्लस सिंबल के पास जाएंगे और सब्ट्रैक्शन सिंबल दबाएंगे, फिर प्लस, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर प्लस, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस. एंड आफ्टर राइटिंग प्लस, जस्ट आफ्टर प्लस प्रेस द एंटर की. प्रेस एंटर की, एंटर की प्लस कर प्रेस. जैसे ही आप एंटर की दबाएंगे आपका ये जो प्लस है ये इस तरीके से हो जाएगा और ये लाइन इस तरीके से हो जाएगी. उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो एक सिंगल बॉक्स ये आपको दिखाई देगा. उसके बाद आप प्रेस करेंगे टीएबी टाइप की, टाइप की प्रेस करेंगे तो ये रो और कॉलम इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, ये बढ़ता जाएगा. इट विल इंक्रीमेंट अकॉर्डिंग टू प्रेसिंग टाइप की. पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, अगर टेबल में आगे बढ़ना है तो प्रेस द टाइप की, प्रेस द टाइप की टू मूव फॉरवर्ड. इन अ टेबल इफ यू गो बैक प्रेस Shift plus tab key to move forward. To move backward in a table. To move backward in a table. Table में अगर पीछे आगे जाना है वन टू थ्री, अगर हमको पीछे जाना है तो हम शिफ्ट प्लस टैब की को प्रेस करेंगे पीछे आएंगे, और आगे जाना है तो टैब की का यूज करेंगे. एक रो ऊपर जाना है तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर. एक रो ऊपर One row up. Down.
फॉरवर्ड के लिए टैब की, बैकवर्ड के लिए शिफ्ट टैब, वन रो ऊपर शिफ्ट प्लस एंटर, और डाउन के लिए ओनली एंटर. तो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू बी कीप रिमेंबर इन योर माइंड. माय डियर स्टूडेंट्स, देर आर मोर पॉइंट्स अबाउट टू सेलेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए टेबल. टू सेलेक्ट ए सेल, ए रो, कॉलम और टेबल बाय यूजिंग ए माउस, फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शंस इन द पेज नंबर 52. हाउ कैन वी सेलेक्ट द सेल, ए रो, कॉलम, एंटायर टेबल, वर्ड, सेंटेंस, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ. दीज आर द मेन पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप माइंड. Exercise E. Answer. Explain any two methods to insert a table in the Word document. कोई दो methods आपको बताने हैं जिसको कि आप Word में table को insert करा सकते हैं. पहला point, using table grid. और second point, using insert dialog box. These are the two methods that you can use to insert a table in the Word document. Copy. How will you insert, question number two,
हाउ विल यू इंसर्ट ए कॉलम इन अ टेबल हाउ विल यू इंसर्ट ए कॉलम इन अ टेबल टेबल में आप एक कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे तो राइट सम पॉइंट्स टू एड ए कॉलम क्लिक ऑन द टॉप बॉर्डर ऑफ द कॉलम एडजेसेंट कॉलम एडजेसेंट टू विच यू वॉन्ट टू विच यू वॉन्ट टू इंसर्ट ए न्यू कॉलम To add a column, click on the top border of the column adjacent to which you want to insert a new column. Note down. Describe the method. Question number third. Describe the method to delete row and column in a table. Describe the method to delete row and column in a table. First point, select the row or column, which you want to delete, उस row या उस column को
सेलेक्ट करिए जिसको आप डिलीट करना है। सेकंड पॉइंट इसमें लिखिए, क्लिक ऑन द लेआउट टैब, क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर द टेबल टूल्स टैब। अंडर द टेबल्स टूल टैब एंड थर्ड वन इज सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट द डिलीट रोज एंड कॉलम्स, सेलेक्ट द डिलीट रोज कॉलम्स फ्रॉम द ग्रुप। Am I right? In the group, or drop down menu. Then automatically आपका रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा। नोट डाउन, तस्तीस नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कैलकुलेट द सम इन अ टेबल। हाउ विल यू कैलकुलेट द सम इन द टेबल। फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहेंगे तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, और सिंपल में चाहेंगे तो सिंपल में भी लिख सकते हैं। टेबल में कैसे आप सम कैलकुलेट करेंगे, करने के लिए आप यहां प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F9। जब आप कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे तो आपको स्क्रीन पर इस तरीके से दिखाई देगी। अब आप इसके अंदर नंबर एंटर करिए, जो भी नंबर आपका एंटर होगा आप इसके अंदर नंबर एंटर करिए।
जब आप एंटर करेंगे तो ये सिंबल अपने आप पीछे जाएगा, और नंबर एंटर करने के बाद आप जस्ट प्रेस करेंगे F9, तो आपको इसका टोटल यहां पर दिखाई देगा। तो ये हाउ विल यू कैलकुलेट द सम इन द टेबल, तो मैंने ये फॉर्मूला की मेथड से बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। बहुत से बच्चों को इस चीज का नॉलेज नहीं है, बहुत से बड़ों को भी नॉलेज नहीं होगा कि टेबल में सम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, किसमें, एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, कंट्रोल F9, नंबर लिखिए, F9 प्रेस करिए, आपका कैलकुलेशन कंप्लीट है। इसी बात को यहां पे पॉइंट्स में लिखना है, इसको पॉइंट्स में लिखने के लिए सेलेक्ट द लेआउट टैब, सेलेक्ट द लेआउट टैब। सेकंड पॉइंट, क्लिक इन द सेल वेयर द रिजल्ट इज टू बी डिस्प्लेड, क्लिक इन द सेल वेयर द रिजल्ट इज टू बी डिस्प्लेड। द फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, नोट दैट द सम फॉर्मूला इज ऑलरेडी डिस्प्लेड, क्लिक ओके। One, two, three, four, five, five points for this question you can write. What is the use of split cells? Question number 5. What is the use of split cell option? A
स्प्लिट, स्प्लिटिंग का मतलब होता है तोड़ना। वन बॉक्स टू बॉक्स, अब ये टू बॉक्स बना हुआ है, तो दिस वन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सेल, वन सेल टू सेल। अगर हम इसको यहां बीच से इसको हटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका मर्जिंग, इसको कहेंगे मर्ज करना, यानी दोनों को मिला के अब हमने क्या कर दिया, एक बना दिया, ये हो गई आपकी मर्जिंग। अब बीच से अगर उसको तोड़ देते हैं तो ये हो गई स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग जैसे आपका ये एक सेल है, इसमें से इसको भी तोड़ना होगा अगर बीच से, तो अगर हम बीच से तोड़ देंगे तो वन टू दिस वन इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिट का मतलब ही होता है स्प्लिट द सेल्स, डिवाइड द सेल्स इनटू टू कॉलम्स, दो भागों में उसको डिवाइड कर देना, तो दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग है सेल मीन्स डिवाइडिंग द dividing the selected cells into selected cells into separate cells, this one is called splitting cells, you can copy। लास्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द वे ब्रीफली एक्सप्लेन द वे बाय विच यू कैन चेंज बच You can change the column width in a table, briefly explain the way by which you can change the column width in the table। टेबल में अब आपको कॉलम विड्थ के बारे में बताना है कि कैसे, हाउ कैन यू कैन चेंज द कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ कैसे आप चेंज करेंगे। तो अगेन यू हैव टू राइट सम पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट द कॉलम whose width you want to change, number 2 click on the layout tab,
थर्ड पॉइंट, सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज क्लिक ऑन द Preferred with checkbox. Now increase or decrease the column width. Either by using the speed arrows so dear students chapter 5 is completed now we have to move through the worksheet You can note down the 6 points. Thank you.